जय श्री राम। दोस्तों, एक ही महादशा में व्यक्ति ऊपर भी जाता है और उसी महादशा में वो नीचे भी आ जाता है, या वाइस वर्सा कि शुरुआती दिनों में बहुत बुरी गई वो महादशा और उसके कुछ दिनों बाद वही दशा बहुत अच्छी चली गई। ऐसा क्यों होता है? वैसे तो ऐसा होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक अंतरदशाएं भी है कि कोई भी महादशा अकेले अपना फल नहीं देती है, उसको अंतरदशा का सपोर्ट भी चाहिए होता है। पर आज उससे थोड़ा हट के बात करेंगे, कुछ और तरीके बताएंगे, कुछ और वजह बताएंगे जिसके कारण दशाओं के फल में परिवर्तन आता है। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। ये वीडियो बनाने की वजह क्या है? देखिए, फेसबुक पर ना आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने एक पोस्ट डाला था और अब जब इस बार उसको रीशेयर किया तो लोगों ने कहा, सर इसको और डीपली समझाइए क्योंकि ये प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो जब उन्होंने कहा तो हेयर वी आर, मैंने सोचा आज आपसे शेयर करते हैं और समझाते हैं कि उसमें क्या बताया गया और उसको किस प्रकार अप्लाई करते हैं। तो सवाल यह है, क्यों होता है एक ही दशा में उतार चढ़ाव? इसे समझने के लिए एक बार श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। पाक प्रभुर्गोचरत स्वनीचम मौडयम यदा याति विपक्ष भम्वा कष्टम विद्यात स्वर ग्रहम स्वतुंग वक्रम गतः सौख्यम फलम तदानिम। अर्थ है, जिस ग्रह की महादशा हो, जो जिसकी अभी महादशा चल रही हो, अगर वह गोचर में अस्त या अनिष्ट राशि को प्राप्त होता है तो कष्ट कारक होता है। इसी प्रकार जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, वह जब गोचर में स्वराशि का हो जाए या अपनी उच्च राशि को प्राप्त हो जाए या वक्री हो जाए तो उस समय जातक को श्रेष्ठ फल मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये महादशानाथ के गोचर की बात कर रहे हैं और ये श्लोक ये कहता है कि अगर महादशानाथ आज के दिन, जिस समय आपकी दशा चल रही है, उस समय अगर अस्त है, अनिष्ट राशि का अर्थ होता है ऐसी राशियां जहां पे आप नीच हो जाते हैं, शत्रु राशि के हो जाते हैं वगैरह वगैरह, तो वहां आप पॉजिटेड हैं, तो ये फिलहाल आपकी दशा के लिए अच्छा नहीं है, ये दशा फिलहाल आपको अच्छा फल नहीं देगी। यहां पर एक बात मैं अपने एंड से जोड़ना चाहूंगा जो मैंने प्रैक्टिकली देखा। यदि ग्रह की महादशा अनिष्ट फल दे रही हो पहले से ही, या यूं कहें कि जो महादशा चल रही है वो किसी अकारक ग्रह की चल रही है, जो लगन कुंडली चंद्र कुंडली से अकारक ग्रह है, ऐसी स्थिति में जब वो अनिष्ट राशि में होता है, जब वो अस्त होता है, तो कुछ समय के लिए उसके नकारात्मक फल भी मिलने बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, ये प्रिंसिपल लगाने से पहले देखिए, जिस ग्रह के बारे में बात हो रही है वो ग्रह कुंडली के लिए कारक है, अच्छा ग्रह है या बुरा ग्रह है। अच्छा, इसी तरह जब अगर कोई आपकी कुंडली में अकारक ग्रह जो कि नेगेटिव रिजल्ट देने देना चाहता है, अष्टमेश है, लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से, या लग्नाधिपति का मित्र नहीं है, चंद्राधिपति का मित्र नहीं है, नक्षत्रों पर भी स्थिति वैसी ही बन रही है, तो फिर वो आज के समय जब वो कमजोर चलेगा तो बेहतर है, और अगर वो स्ट्रांग चलेगा तो अपना पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब गोचर की बात करते हैं, दशा नाथ के गोचर की, तो पहले इसका अंदाजा लगाते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई ग्रह कुंडली में जन्म के समय आपके एग्जॉल्टेड बैठा है और आपके लिए योग कारक ग्रह है। भाई, आपको तो उस ग्रह से बड़ी उम्मीदें हो गई कि ये कुंडली में मेरा योग कारक है और इसने तो बड़ा अच्छा फल देना था, और अभी तो ये मजबूत भी है, कुंडली में उच्च का है, स्वराशि का है, लगन को देख रहा है, शुभ ग्रहों से युत है वगैरह वगैरह, बल ज्यादा है, तो उम्मीदें बढ़ जाती है कि यार ये ग्रह की दशा कब आएगी, जब जब भी आएगी तब हमें ये राजयोग देके जाएगी। पर मान लीजिए जब वो दशा चालू हुई उस समय वो ग्रह कमजोर अवस्था में था, 6-8-12 में गोचर कर रहा था, क्रूर ग्रहों के साथ था, अस्त था, तो अब होगा क्या कि वो जो आपको उम्मीदें बंधी थी उस महादशा में कुंडली में ग्रह को देखकर, वो फिलहाल आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होने वाली। कारण बड़ा सीधा सा है, क्योंकि महादशा जिसकी चल रही है फिलहाल अगर वो कमजोर है जैसा कि श्लोक में लिखा था, तो आज के समय उससे उम्मीद करना बेईमानी हो जाएगी। देखते हैं, इसको समझते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले इसका फायदा और नुकसान भी बताता हूं। मान लीजिए किसी ग्रह की दशा आती, शनि की महादशा आती है, और शनि आपकी कुंडली में अच्छा पॉजिटिव भी है, कुंडली में कारक भी है, और अच्छे भाव में भी विराजित है, शुभ ग्रहों से भी दृष्ट है जन्म कुंडली में,
परंतु जब वो दशा चालू हुई उस समय वो ग्रह नीच का चल रहा है और पीड़ित चल रहा है। तो एज पर द लॉ, एज पर द श्लोका, वो ग्रह अच्छे फल नहीं देगा, अभी उसकी दशा अच्छे फल नहीं देगी। लेकिन कब तक नहीं देगी? गोचर हमारा सबसे लंबा गोचर जो होता है वो शनि का होता है, एक राशि में 2.5 साल, और शनि की दशा होती है 19 साल। तो हो सकता है कि जब मेरी ये दशा स्टार्ट हुई उस दिन से लेकर आने वाले 2.5 साल तक वो नीच का हो जाए, पीड़ित हो जाए, एक राशि में, क्योंकि 2.5 साल रह रहे। लेकिन 2.5 साल बाद तो एटलीस्ट वो वृषभ में आएगा, फिर मिथुन में आएगा। कहने का मतलब ये है कि गोचर, लंबे से लंबा गोचर भी छोटी सी छोटी दशा से क्या कहते हैं, छोटा ही होता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर सूर्य की दशा सबसे छोटी होती है वो 6 साल की है, और सबसे बड़ा गोचर 2.5 साल का है जो शनि का होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि महादशानाथ यदि गोचर में पीड़ित भी है तो उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, आज नहीं तो कल, अभी इस 2 महीने नहीं तो 4 महीने बाद, 4 महीने तो साल भर बाद वो अपना वापस ट्रैक पकड़ेगा और तब मुझे अच्छा परिणाम देगा। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जरा इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये पत्रिका है 15 मार्च की, 1979, 22:50, धनबाद का जन्म है। अगर इस कुंडली में ध्यान दें तो गुरु की महादशा स्टार्ट हुई 2005 से 2021 के मध्य। बृहस्पति इस कुंडली में पंचम अधिपति है, धनाधिपति है, एग्जॉल्टेड उच्च का बैठा है, यद्यपि वक्री भी है। और कुछ लोगों का ऐसा मत है कि उच्च का ग्रह वक्री होकर नीच के समान फल देता है, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है कि ये नियम किस प्रकार लगाना चाहिए। पर फिलहाल आप इसको समझिए कि ये एग्जॉल्टेड भी है, राशि में भी अनिष्ट राशि को प्राप्त नहीं हुआ, अनिष्ट भाव को भी प्राप्त नहीं हुआ, राइट, और लगन को देख रहा है, पंचम को देख रहा है, तीनों त्रिकोण पे वो अपना असर डाल रहा है। ऐसी स्थिति में उम्मीद बनती है कि गुरु की महादशा जब 2005 में आई तो उसके बाद इस जातक को शुभ फल देने चाहिए थे। कुछ हुआ भी ऐसे ही। लेकिन जब 2009 आया तो इसी कुंडली में गुरु यहां चल रहा था जहां अभी आप देख रहे हैं, मकर राशि में चल रहा था, राहु के साथ और सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर महीने। तो वो अस्त भी था सूर्य से, राहु के भी साथ था, तीसरे भाव में था, नीच का था, राइट। तो इस वजह से जो ये योग आप देख रहे हैं, वही दशा जो बहुत अच्छी जा रही थी 2005 के बाद, जब 2008 या जो 7 वाला फेस था वो इसका अच्छा बीता था, लेकिन जैसे ही 2009 आया तो वही दशा इसके लिए खराब हो गई। जबकि अंतरदशा भी बदली नहीं थी, मेरी बात समझिएगा। 2007 से 2010 के दरमियान इसकी गुरु में शनि की महादशा चल रही थी, अब दशा वही रही, लेकिन गोचर में गुरु पहले वृश्चिक और धनु में गोचर कर रहा था, तब वो उसको एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो गोचर नीच का हुआ, गुरु नीच का हुआ, वैसे ही स्थिति बिगड़ गई और वो परिणाम उसको शुभ नहीं मिला। तो इस कुंडली में हमने क्या देखा कि वही ग्रह की दशा, वही अंतरदशा में कुछ समय बहुत अच्छा हुआ और कुछ समय बहुत खराब गया। खराब इसलिए गया क्योंकि महादशानाथ उस समय नीच अवस्था में अस्त चल रहा था, राहु केतु के एक्सेस में था। तो मेरा कहने का मतलब है गोचर का भी इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब जरा इस सिनेरियो को थोड़ा घुमा देते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी केस को उल्टा करके देखते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह है कुंडली में और आपका योग कारक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अस्त है और अच्छे भावों में भी नहीं बैठा है, 6/12 में है, नीच राशि का है और पाप ग्रहों से दृष्ट है, कुल मिला के अफ्लिक्टेड है। तो ऐसे ग्रहों से उम्मीदें कम हो जाती है कि इसकी दशा आएगी तो क्या क्या खास फल मिलेगा, क्योंकि ग्रह में ही बल नहीं है। परंतु जब उसकी महादशा आई उस दिन या उस समय वो बली हो जाए, उच्च का हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो परिणाम कैसे बदलते हैं वो भी देखते हैं। इस कुंडली को देखिएगा, ये 24 सितंबर 1979 का चार्ट है, 3:45 दोपहर का, मुरादाबाद यूपी। इस कुंडली में लग्नाधिपति बनता है शनि। लगन पर नीच मंगल की दृष्टि है, लग्नाधिपति अष्टम भाव में है, लग्नाधिपति द्वादश भाव के स्वामी के साथ है, तीसरे भाव के स्वामी के साथ है, लग्नाधिपति शत्रु राशि का है, लग्न का स्वामी राहु केतु एक्सेस में है। कुल मिलाकर शनि यहां पर बहुत ज्यादा बली नहीं दिखता है। अब ऐसे शनि की महादशा 2008 में आई और 2027 तक ये दशा चलनी है।
अब जब ये 2008 में आई, उस समय शनि का गोचर लगभग उसी स्थान पर था जिस स्थान पर आपको जन्म कुंडली में नजर आ रहा है, ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं था। लेकिन जब उसके बाद शनि उच्च का होकर गुजरा, जब शनि कन्या में से गुजरा, तो वो जो 5 साल इस व्यक्ति के रहे वो इसके लिए बेहद शुभ रहे। मैं यूं कहूं कि उन 5 सालों में इसको विशेष फल प्राप्त हुए। जबकि महादशा नाथ, जबकि लग्नाधिपति कुंडली में कमजोर है, परंतु क्योंकि गोचर वश उस समय वो मजबूत अवस्था में था, तो जब तक वो उन राशियों पे से गुजरा जहां पे उसकी स्थिति अच्छी थी, वो अच्छा फल दे रहा था। आज वो शनि मकर में है। मकर उसकी स्वराशि होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो आने वाले, और उसके बाद वो कुंभ में जाएगा, तो आने वाले लगभग 5 साल इसके लिए फिर हमें कहना होगा कि बेहतर अवस्था, बेहतर परिणाम देंगे इस जातक को। तो कुल मिलाकर जब भी किसी ग्रह की महादशा का विचार करें, गोचर उसका अवश्य देखें। यदि आप गोचर का विचार नहीं करेंगे तो परिणाम कुछ खास आपका आएगा नहीं। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, ये कुंडली है 2 अगस्त 1965 की, शाम 5 बजे का जन्म, जमलपुर बांग्लादेश। इस जातक की भी गुरु की महादशा चली है 1989 से 2005 तक। अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे बताना है कि 1989 से 2005 के मध्य इस जातक के कौन कौन से साल अच्छे गए होंगे। कैसे बताएंगे, जैसे आज मैंने बताया महादशा का गोचर देखिए, उस समय कब कब किस राशि पर से गुजरा, वो साल जब जब गुरु अच्छी राशियों पे से या बुरी राशियों पे से गुजरा, उसके आधार पर आप अपने फल को बताएं। कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं किसके उत्तर सबसे जल्दी और सबसे सही आते हैं। तो कुल मिलाकर इसको देखिएगा, आपको बेहतर परिणाम आएगा जहां तक मेरी आशा है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर कार्य करें। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। लगन कुंडली ज्यादा महत्वपूर्ण है या चंद्र कुंडली, यदि इस विषय में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तीसरा भाव कुंडली का शुभ होता है या अशुभ, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस वीडियो पर आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार अगले विषय के साथ।